आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नंबर 6, सूरह अल अनआम, आयत नंबर 65। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे, या तुम्हारे कदमों के नीचे से बरपा कर दे, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मज़ा चखवा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी निशानियां इनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद के ये हकीकत को समझ लें। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन। आज मैं आपको पास्ता बनाना सिखा रही हूँ। लहसुन और टमाटर पेस्ट और पालक के साथ। ये मैंने पालक जो है वो काट के बॉईल करके फ्रीस्ट कर लिया था, और जिसमें कि ये डालेंगे, ये मैंने ब्राउन शुगर लिए, आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकती हैं, एक टीस्पून। और ये मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है, क्योंकि ये टमाटर पेस्ट में भी डलेगा और पास्ता में भी डलेगा। ये 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं, काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें लिए। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिए, जिसे मैं कूट लूँगी। और ये 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर लिया है। तो ये मैं आइए आपको चल के बताती हूँ कैसे बनाएंगे। ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। अब ये लहसुन जो इसमें फ्राई होंगे, ये मैंने टमाटर छील कर और टमाटर पानी में बॉईल करने के लिए छोड़ दिए हैं। ये मैं पास्ता बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये टमाटर चॉप करूँगी, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाले नहीं ग्राइंड होंगे। अब ये जो जिस पानी में मैंने बॉईल किया था, ये बचा हुआ पानी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने लहसुन डाल दिया जो फ्राई किया था। अब ये मैं टमाटर की सॉस बना रही हूँ। ये जो ऑयल था, ऑलिव ऑयल जिसमें मैंने लहसुन फ्राई किया था, ये डाल दिया है मैंने उसमें सारा पेस्ट। ये मैंने सौंफ डाल दी, ये काली मिर्चें, ये कुटी हुई हैं काली मिर्चें, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये ब्राउन शुगर, ये विनीगर डाला है मैंने। अच्छा, इसमें ब्राउन शुगर और विनीगर नहीं डलता है, मुख्तलिफ सॉसेस डलती हैं। ये सॉल्ट डाल दिया मैंने, मुख्तलिफ सॉसेस डलती हैं, मगर मैं वो सॉसेस नहीं डाल रही, जिसकी वजह से मैं ये विनीगर और शुगर, और अब ये मैं पेपरिका भी डाल रही हूँ, क्योंकि सॉस की वजह से जो है, मुख्तलिफ सॉस की वजह से कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और टेस्ट भी, इसलिए मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। इसको मिलाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है मैं पकाऊंगी, जब तक जो है मेरे पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये अब तैयार हो गई है सॉस बिल्कुल। अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने पूरा ग्राइंड नहीं किया। ये देखिए, मोटे मोटे टमाटर के और लहसुन के पीसेस आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये पूरा पास्ता डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा पास्ते का पानी भी डाले जिसमें मैंने बॉईल किया था, तो ये थोड़ा जूसी बनेगा। अब इसके अंदर मैं पालक डालूँ। ये पालक है, पालक क्योंकि तैयार है, पका हुआ है, तो मुझे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये डिसॉल्व हो जाए। तो
ये तैयार होगा। ये देखिए कि पास्ता मैंने डिश आउट कर लिया। साहो है ना मासलामे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल बकरा आयत नंबर 201। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखरत में भलाई, और हमें आग के अजाब से बचा।